और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने। हम लोग रेडी हो चुके हैं अब घूमने के लिए, भाभी तैयार हो रही है। और उसके बाद सबसे पहले म्यूजियम, फिर उसके बाद जाएंगे कुतुब मीनार देखने, फिर और देखते हैं क्या क्या कहाँ कहाँ जाते हैं। आज ही हमें वापस जाना है, तो देखते हैं क्या क्या घूमना फिरना होता है। बस भाभी रेडी होती है, मैंने तो सिंपल सी पानी बना दी है, बहुत मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है और सिंपल से कपड़े पहने हैं। हल्के भी आ चुकी है, बहुत धूप हो रही है, पता नहीं कितनी गर्मी होने वाली है। तो फाइनली भाभी रेडी, हम लोग कपड़े लेके नहीं आए गए, जो भी था सिंपल सा हमने अभी वेयर कर लिया। अंशु रेडी, हमारा हीरो शिवांश रेडी। लिफ्ट से आ रहे हैं ना, पहुंच गए। अरे सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय। तो यहाँ से एंट्री होती है अंदर की तरफ, जाने से पहले हम लोगों ने टिकट कटवा लिया था। और ये है प्रधानमंत्री संग्रहालय ब्लॉक वन ब्लॉक टू करके है। तो इसका एंट्री गेट यहाँ से है और इसके सामने है बहुत ही सुंदर बड़ा सा गार्डन। फिर हम इसके अंदर आ चुके हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो और ब्लॉक वन में आपको इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, उनका बेडरूम, उनके रहने की जगह, खाने की जगह, ये सारी जो पुरानी चीज़ें थी वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो छोटी छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, वैसे हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। उसके बाद सो गाइस, ब्लॉक वन में घूमने के बाद वैसे हमें काफ़ी टाइम लग गया था, काफ़ी बड़ा है अंदर से, काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए है, स्क्रीन लगी हुई है बड़ी बड़ी देखने के लिए, पढ़ने के लिए, और वीडियोस हैं, तो बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ घूमने के बाद अब हम आ चुके हैं बाहर की तरफ, और बाहर इतने सुंदर बड़े बड़े से गार्डन है, फूल लगाए गए हैं। तो इस वाले यहाँ पर भी अंदर से देखेंगे आप, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। तो चलते हैं अंदर की तरफ, पूरा अंदर घूमना है, हमारे पास वैसे ज़्यादा टाइम नहीं है, तो फटाफट से चलते हैं अंदर। सो गाइस, हम लोग अंदर आ चुके हैं और ये इतना सुंदर है ना दिखने में, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये देखिए स्क्रीन पे। और इस साइड लगी हुई है बड़ी बड़ी स्क्रीन, भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद मतलब पहले से लेके वर्तमान तक की जितनी भी जो जर्नी है, यहाँ पे दोनों साइड बड़ी बड़ी स्क्रीन में दिखाई गई हुई है। दिल्ली घूमने के लिए 5 दिन, देखो गांधी जी। इसके बाद हम आ गए हैं इधर वाली साइड, टाइम मशीन। तो यहाँ चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। और अध्यक्ष डॉक्टर H.N. सेठनाथे। भारत के सीमित क्षमता परीक्षण के बाद संयुक्त राज्य, लेकिन यह भारत के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि भारत पूरी तरह से स्वदेशी परमाणु कार्यक्रम के साथ आत्मनिर्भरता की सीढ़ी चढ़ा। भारत ने फरवरी 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान अपनी सामरिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी के पहले परीक्षण के साथ रक्षा प्रतिरोध के एक नए युग में प्रवेश किया। भारत ने 22 मई 1989 को अपनी लंबी दूरी की मिसाइल अग्नि का परीक्षण भी किया। जोड़ते हुए 1996 में वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने
परमाणु अस्त्र ले जाने में सक्षम के प्रधानमंत्रियों ने। सो गाइस, इसके बाद हम लोग आ चुके हैं प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए। तो सबसे पहले अंशु चले गया, बहुत मतलब एक्साइटिंग था वो कि मुझे खिंचवानी है करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक चेयर में अंशु बैठा है और दूसरी वाली चेयर जो है खाली है। तो फोटो जो है आप अभी स्क्रीन में देखेंगे। तो हस्बैंड जी ने भी खिंचवा ली है और मैं भी खिंचवा लूँगी। मम्मी को भी बैठा दिया था हम लोगों ने। तो ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है फोटो। हालांकि इसे केवल 6 महीनों के कार्यकाल के अनुसार डिजाइन किया गया था, परंतु तथा आज की तिथि तक मंगल के चित्र खींच रहा है और हमें भेज रहा है मंगल यान भले ही। इसके साथ यहाँ पे बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी जिसमें हम कर रहे थे क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो आप जो है जवाब देने होते हैं। इसके बाद हम आ चुके हैं ऊपर की तरफ और ये देखिए ये ना लटकने वाले और क्या कहते हैं, मुझे भी याद भी नहीं आ रहा है। ये मतलब इस तरीके से था ना कि ये फोटो बनी हुई है, तस्वीर बनी करना था कि कौन थे करके। तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी थे। इसके बाद हम आ चुके हैं इस साइड और यहाँ पे है जय जवान जय किसान। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने पिक्चर्स ले लिए। सो गाइस, पूरा भारत का इतिहास जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई है और बुक भी यहाँ पे रखी हुई, किताबें रखी गई हैं। तो स्क्रीन पे आप यहाँ पे देखें पढ़ने के लिए, आप किसी भी भाषा का इस्तेमाल करके मतलब अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सो गाइस, इसके बाद आ गए हम लास्ट सेक्शन पे और ये तो बहुत सुंदर था दिखने में। ये देखिए बिल्कुल मतलब अशोक चक्र बना हुआ है ऊपर से, तो ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था देखने में। मम्मी आओ इधर से आओ। To intervene in Sri Lanka. यहाँ से गिर सकते हो बेटा, आप यहाँ पे भी गिर सकते हो। जल्दबाजी मत करना। हाँ मम्मी आराम से आना। हाँ आराम से आना, नीचे को फिसलन भी है ना। कि अभी तक आगे तक का पूरा चल रहा है ना, देखो फुल लाइन से 1961-1964 इस तरीके से। देखो पंडित रविशंकर, ये देखो अभी तक देख लो यार, ये पूरी जर्नी है अभी तक की इतनी चली गई। पार्टी उस समय एक सिंगल पार्टी कपिल देव, वही तो मैं कहते रही पूरी जर्नी है राकेश सर का। जितने भी मतलब की अचीवमेंट्स है सारे वो मतलब 1986 में फील ले रखा हुआ है लाल किला, इंडिया गेट,
सो गाइस, इसके बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे और ये है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला था के लिए आपके सम्मानार्थ भारत के भारत रत्न प्रदान करता हूँ। यार कितनी चीजें, मतलब किस तरीके से आदमी सोचता है कि इसको इस तरीके से बनाएंगे और ये कैसे होगा, कितने आगे आजीवन ये चीज चलेंगे और इस तरीके से होगा। सो गाइस, इसके बाद हम अब आएंगे बाहर की तरफ, तो ये लास्ट बचा हुआ है। तो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ के, बहुत कुछ जानने को सीखने को मिला। तो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटी थी यहाँ पे करने के लिए, क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। तो भाभी भी लगी हुई थी आंसर देने के लिए, देखे यहाँ पे स्क्रीन पे। सो गाइस, अब हम यहाँ से जाने की तैयारी हो रही है हमारी, सब जगह घूम लिया और देखते हैं। बाप रे, बहुत बहुत गर्मी है। आज ही हमें वापस जाना पड़ेगा यहाँ से, इसलिए सो गाइस हम लोग आ चुके हैं और ये देखिए गार्डन इस साइड के, कितने सुंदर लग रहे हैं। चल आजा, पहले खाना खिलाते हैं, उसके बाद फिर इंडिया गेट घुमाते हैं। अरे नहीं, फिर खाना खा के कहाँ परम कर पाएंगे, फिर इंडिया गेट के इंडिया गेट से बाद फिर वन सिटी निकल लेंगे। ठीक है, ठीक है, वो ज़्यादा सीधा पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। वो ये देखो, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ फोटो दिखाओ। देखिए पहचान नहीं, पहचान दे रहे हो, आज यही फोटो रहेगी। सो गाइस, हमारी फोटोज आ चुकी है, अब हम निकल रहे हैं इंडिया गेट देखने के लिए। तो जितना हमारे पास टाइम था उतनी हमने कोशिश की कि पूरा घूमें, बट ये कि यहाँ आने के लिए ना एक दिन पूरा चाहिए घूमने के लिए, तभी आप तसल्ली से घूम सकते हो। हमारे पास तो ज़्यादा टाइम था नहीं। अब हम आ चुके हैं बहुत ही खूबसूरत जगह पे, ये है इंडिया गेट। देखिए कितना सुंदर लग रहा था, इसे देखने का मेरा बहुत ज़्यादा मन था। तो यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है जल्दबाजी, तो जल्दी जल्दी घूम रहे हैं हम लोग क्योंकि अब हमें निकलना है। सो गाइस, इसके आगे हम लोग जा नहीं रहे क्योंकि हमारा टाइम भी हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी फ़ोटो वीडियोस लेने के बाद सीधे आ जाएंगे वापस। वैसे अभी इतना ही हो पाया है एक दिन में, एक दिन भी नहीं मतलब 4-5 घंटे में। तो अब नेक्स्ट बार जब मैं आऊँगी तब जो है अच्छे से घूमेंगे, 3-4 दिन के लिए आऊँगी ना तो ही अच्छे से घूमना फिरना हो पाएगा। तो ये है पूरा यहाँ का व्यू, बहुत सुंदर लग रहा। अब हम चल रहे हैं गाइस वापस, हमारी वापसी। बहुत तेज धूप हो रही है, बट बहुत तेज। तो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में। इसके बाद हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम, फिर यहाँ से जाएंगे हम सीधे घर। माउंटेन ट्यूटर क्या दीजिए। सो गाइस, शाम के 5 बज चुके हैं और मामा भी ड्यूटी से आ चुके हैं अभी। वहाँ से आने के बाद ना हम लोगों ने खाना पीना ऑर्डर कर दिया था भाई ने, तो खाना पीना खाने के बाद थोड़ी देर आराम कर लिया था और यहाँ पे ठंडा ठंडा पीने के बाद बस अभी थोड़ी देर में हमारी यहाँ से वापसी है। मामा, आप हमारे यहाँ ना। ठीक है, चलो ठीक है, मैं तो मेरे को क्यों नहीं ले जा रहा अभी? अभी चलिए आप, अभी चलिए। तो मेरे को ले नहीं जाना, तुम्हें हाँ जी उसे तुमने पूछा यार हो रखे थे, चलो फिर, चलो फिर गाड़ी में उतरेगा कौन अब गाड़ी में? हाँ तो एक बना एक जाना, तो फिर डिक्की में जाना पड़ेगा एक को, तो यार डिक्की में बैठ गया पता नहीं। अरे रख रख, कोई नहीं, ले यार कॉफी वॉफी खाए बाद में। अब हम यहाँ से जाने की रवानगी की तैयारी, अब अच्छा नहीं लग रहा है जा रहे तो। लो 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 बेटा, चलो चलो गाड़ी तो चलाओ, गाड़ी तो घूम। भाभी किचन की लाइट बंद कर, आइए ना ठंडा पिएगा गाड़ी में, बंद नहीं है ऑफ है। हम चलेंगे लिफ्ट में, ज्यादा पीछे जाओ ये बंद हो जाएगी, मम्मी भी आ रही है, जल्दी आओ। चलो तो करो अन्नू, चलो फिर चलो, ठीक है, चलो आराम से जाना। हाँ
तो यहाँ गाड़ी चलते हुए थोड़ा कट के सीधा आ गया तो फिर सीधा ही है। सो गाइस हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और ये जाते जाते यहाँ की बिल्डिंग देखिए, बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग है। बस शाम तक पहुँचेंगे हम लोग, टाइम लग जाएगा आज हम लोगों को। अब हमारी वापसी पहुँचेंगे रात को 11 बजे तक।